जैसे सर्कल किस एरिया में जाना जाता है, किंग सर्कल है, जू सर्कल है, वैसे ये दौलत नगर की दौलत ये सर्कल के नाते पहचानी जाएगी। इतना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। मेरा बूम श्री कविपटे जी भी हमारे बीच आ गए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं भूमि पूजन सोलह में। और जोरदार तालियों से गणपति बाप्पा। जय भवानी राजा मारी टोपी का नारी शक्ति फोन बज रहा है बाबलू जी, बाबलू जी, आपने बाबलू जी चलो, थैंक यू सो मच। और गिरीश भाई अच्छा काम करो, सब लोग आएंगे सर, सर 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 जो आज अवस्था में वो लोगों के हित में, लोगों के यूज में नहीं है, आज उसके लिए एसआरए के यहाँ मीटिंग होने के बाद इस विभाग और स्लम के नए डेवलपर ऑप्शन की तरफ से इसको पूरा करने का निर्णय हुआ। टाउन प्लानिंग स्कीम में इसको ब्यूटीफाई करना, इसमें फाउंटन के साथ साथ यहाँ पर फूल पौधे पेड़ चलने की जगह सेल्फी पॉइंट, इस प्रकार से सजावट गार्डन हमारे झुमेरा जी ने उसको डिजाइन किया है और आने वाले 6-7 महीने में पूरा करने का ये प्रयास रहेगा। और इसके भूमि पूजन के लिए श्रेयस और उसके सभी सहकारी और एक्ट्रेसेस सभी आए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये सांताक्रूज वासियों के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और सेलिब्रिटी दोनों का संगम यहाँ पर है। आज हम दिल्ली में जो देख रहे हैं
इम्प्रूव हुई है। तो आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पेड़ पौधों की, जैसे गार्डन्स की, ओपन स्पेसेस की। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे बूंदा गार्डन बना रहे हैं, एंड आई गेस एवरीबडी विल बी एबल टू यूज़ इट टू द मैक्सिमम बेनिफिट। बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन, लोगों ने जिस तरीके का प्यार दिया है वो हम सोच भी नहीं सकते थे आज 200 करोड़ ये वीकेंड तक हो जाएगा। सो आई गेस बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि गुलमाल भाई जल्द से जल्द बनाए और वो भी आपके सामने पेश करें। आपने इंडिगो के बारे में कहा तो जो हुआ है इंडिगो, अरे यार कहाँ बता रहे हो, सारे लोग डरे हुए। बट डू यू थिंक व्हाट इंडिगो एम्प्लॉयड विद सीनियर सिटीजन, इट इज अ यार बेसिकली कैसा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज हमें प्यार की। ये वैसे ही हम लोग सोशल मीडिया पे वगैरह एक दूसरे को इतनी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, थोड़ा प्यार से बात करेंगे सबसे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। जितनी खुशी देंगे उससे दुगनी खुशी हमें मिलेगी। सो आई गेस मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो मैं हमेशा टाटा मेमोरियल के बच्चों के लिए और के पेशेंट्स के लिए जब वक्त मिलता है कुछ ना कुछ करता रहता हूँ वहाँ जाके। इस बार एक इवेंट में मैं जा नहीं पाया तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं फिल्म का स्क्रीनिंग आपके लिए रखूँगा। सो दे वर हैप्पी, दैट मेक्स मी हैप्पी, बट ब्रिंगिंग अ स्माइल इज ऑलवेज एब्सोल्युटली दैट इज आई गेस। जैसे अभी कहा कि यार प्यार की ज़रूरत है, हंसी की ज़रूरत है, तो गोलमाल से हम वो प्यार और हंसी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस किया है वो बिल्कुल उन्हें पसंद है। सो आई जस्ट होप वी आर एबल टू डू दैट, यू नो आई मीन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, यहाँ एक गार्डन भी बन रहा है, जस्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस। अरे पेंशन प्लान है भैया, हम लोग उसको बंद कैसे होने देंगे, रोहित भले चाहे हम उसे रोक देंगे, बोले नहीं नहीं बना दे भैया एक बार। नो बट ऑफकोर्स ये वाला थोड़ा एसिड टेस्ट वाला मामला था गोलमाल अगेन का, तो वो उसमें हम लोग अच्छे से पास हो गए। सो हम भी चाहेंगे, रोहित भी चाहता है कि फटाफट हम लोग गोलमाल 5 की एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढे और उससे बना के लोग उसके सामने पेश करें। थैंक यू दोस्तों। चलो गाइस रोलिंग, सागर और पीछे जा। हाँ ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे आजू गार्डन का उद्घाटन हुआ, इन्वायरमेंट इशूज काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कितना जरूरी है ग्रीनरी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड? आई डोंट नो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन कुछ महीने पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो पूरी दुनिया जानते हैं, उनको बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, उन्होंने वर्सोवा का जो बॉम्बे बीच है वो एक वीडियो अपलोड किया था कि ये दुनिया में सबसे गंदा बीच है, इट्स लाइक द डर्टीएस्ट एंड फिल्थीएस्ट ऑफ ऑल द बीचेस। एज एन इंडियन मेरा सर शर्म से झुक गया था कि हमारा देश यू नो ऐसे कारणों की वजह से जाना जा रहा है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इनफैक्ट इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज लोगों को ये बताने के लिए कि आप प्लीज़ हमारे पर्यावरण को, जैसे हमारे घर को साफ़ रखते हैं वैसे हमारे पर्यावरण को साफ़ रखिए और जितना हो सके पेड़ झाड़ ये सब उगाइए, बिकॉज़ वी नीड इट। ऐसे नहीं होना चाहिए दैट फ्यू जनरेशन डाउन द लाइन वी डोंट नो वॉट फ्रेश एयर इज़। आज जब हम अब्रॉड जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लेंडीनेस, सो वी शुड ट्राई एंड मेक आर कंट्री ग्रीन एंड क्लीन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे सैंटा क्रूज का, जो दौलत पार्क है, यहाँ पे फाउंटेन्स होंगे, पार्क्स होंगे, सुंदर पेड़ पौधे फूल होंगे, एंड देयर विल बी प्लेस टू वॉक एंड सिट डाउन। सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट, जो सारे लोग जो पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं अप्रिशिएट करिए, इन्हें साफ़ रखिएगा और अपने तरफ से भी आप जो छोटा सा भी है कहीं पौधा भी उगा सकते हैं तो प्लीज़ उगाइए, बिकॉज इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प आर फ्यूचर जनरेशन, इट विल हेल्प आर कंट्री। सो दैट्स माय अपील टू ऑल ऑफ यू। सो यू मैम, यू वर्क सो मच हार्ड इन द मेकिंग द फिल्म लाइक पद्मावती फिल्म, लाइक
like a lot of threats are coming from the politicians anywhere. So how you see the artist not getting a freedom of speech while making this film? Big Padmavati, and already Sanjay Leela Bhansali yesterday also said that this kind of nothing is there, like romance between the two. So what do you want to say regarding that? I think a film is a medium of telling a story. The director wants to tell the audience a story, and we live in a free country. We live in a country like India. We should all be given the freedom of speech, freedom of expression, and it should be seen as that. I'm sure Sanjay Leela Bhansali, being an amazing director, is not going to show it in any derogatory way or in any way objectionable. So we should give a storyteller a freedom to show the story that he wants to show, and let people decide if they like it or not. Thank you so much. बहुत ज्यादा मैंने वीडियोज देखे दिल्ली के. आई वॉज शॉक, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार. मतलब आई मीन द स्मोक, द पोल्यूशन, इट्स अनबिलीवेबल. आई एम श्योर बॉम्बे में भी बहुत पोल्यूशन है, एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. सो बहुत बुरा लगता है देखकर ऐसे वीडियोज. बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट को अवेयरनेस रिली मतलब इशू करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग एज अ सिटीजन इंडिया की वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो एज फर्स्ट थिंग जो बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्राइविंग, मतलब यू ट्राई कार पुलिंग. एक गाड़ी यूज़ किया करो फैमिली में, हज़ारों गाड़ियाँ मतलब मत रखा करो. यू नो आई नो पीपल कैन अफोर्ड इट इन दिस कंट्री, बट करना नहीं चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. उससे स्मोक डिटेक्टर्स लगानी चाहिए, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए. आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड स्टॉप स्मोकिंग. देखो इतनी ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन है, जितना स्मोक करोगे पोल्यूशन उतनी बढ़ेगी. तो गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हालत है इस कंट्री की बहुत ख़राब है. आई मीन फॉर किड्स, जो बच्चे हैं उनके लिए तो, और भी जो यहाँ पे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है. सो द गवर्नमेंट डेफिनेटली शुड टेक अ मेजर स्टेप फॉर दिस. माई एज प्रोफेशनल लेवल मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते, दिल जो ना कह सका. तो उसकी अभी प्रमोशंस चल रही है, और 3-4 फिल्में रिलीज़ होने वाली है अगले साल हिंदी में. साउथ की भी अभी मैंने एक सोशल वेब सीरीज़ ख़त्म की राणा दग्गुबाती के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है. तो बस बिजी है. पर्सनली अभी जो हालत है, आई डोंट लाइक गोइंग फॉर वॉक्स आउटसाइड बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. सो आई प्रेफर गोइंग, इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, आई प्रेफर गोइंग टू द जिम, बिकॉज एयर सर्कुलेशन रहता है, क्लोज रहता है, सो पोल्यूशन उतना नहीं होता. बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम बाहर जाना चाहते हैं वॉक के लिए, बच्चों को लेके, फ्रेंड्स को लेके, तो वी शुडन थिंक ट्वाइस के पोल्यूशन है. लाइक वी लिविंग इन अ कंट्री, इट्स सो सैड कि हमें सोचना पड़ता है 10 बार बाहर जाने से पहले. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफकोर्स मैं जब बाहर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ अरे इस वक्त जाऊँगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा. आई मीन इट शुडन बी लाइक दैट. सो आई थिंक द अवेयरनेस शुड बी रेज्ड, पीपल शुड बी केयरफुल, पीपल शुड ट्राई यूजिंग लेस कार्स इन ईच फैमिली. दिल्ली ने ट्राई की थी आई थिंक थोड़ी देर के लिए, बट नहीं चली. बट यू नो इट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट. इट्स कमिंग बैक नेक्स्ट. वो तो आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज एज इंडियंस वी हैव द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ मूवी. एज अ फिल्म मेकर आई थिंक संजय लीला भंसाली जो कर रहे हैं, इट्स ब्यूटिफुल. आप देखोगे ट्रेलर इतनी अच्छी लग रही है. तो आई डोंट थिंक कि लोगों को परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज फिल्म ही बना रहे यार. आई एम श्योर उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इंटेंशन लेके कोई भी फिल्म नहीं बनाता है. एंटरटेन करने के लिए बनाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाता है. सेंसिटिव इश्यूज़ को लेके लोग ऐसे मतलब उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं, तो डेफिनेटली अभी उन्होंने कहा है ऐसा, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने फिल्म बनाई है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है. आई एम श्योर बहुत ही अच्छी फिल्म, और उनकी फिल्में जो आप देख लीजिए, इट्स मेड ऑन ह्यूज स्केल. मतलब कितने प्यार से, कितने मतलब दे पुट सो मच इन टू मेकिंग अ फिल्म. उसके बाद लोग जब मतलब यू नो इट्स नॉट फेयर. आई डोंट थिंक फॉर अ फिल्म मेकर इट्स नॉट राइट फॉर देम टू डू दिस. थैंक यू सो मच. आई फील कि इट्स इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो हम कर रहे हैं, और
आई थिंक एवरी पर्सन शुड डू दिस इनिशिएटिव. जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, इतनी गंदगी कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत 2 मिनट लगता है आपके एक दिन का. तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. सो एवरी इंडिविजुअल शुड लाइक यू नो टेक केयर ऑफ क्लेनिनेस. या ये मतलब एक्जन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी होती तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि इंडिविजुअल. और अगर इंडिया में अगर हर एक इंसान ये चीज अपने लिए करे और अपने यू नो इंडिया के लिए करे, सो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस. ओके, एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशनल फ्रेंड कौन से में काम कर रही हैं? रागनी एमएमएस इज ऑलरेडी आउट. सेकंड सीजन इज गोना बी आउट इन दिसंबर. एंड होटल मिलन व्हिच इज ऑपोजिट कुणाल रॉय कपूर, वो आएगा जैन में. So please watch it. Radhima is going to rock. I mean, it's very sensual. People are looking forward to it. Like, what do you think? I mean, it's sexy and I'm sexy, so I'm happy with it. I've got a good, very good response. So, yeah. Thank you so much. Anyone message you would like to give for the environment? I feel it's a very good initiative. Jo you know, we go abroad, we see so many beautiful gardens, so many beautiful places. India doesn't have that kind of environment. It's Delhi has a lot of many than Bombay. So I feel Bombay needs more, and we need parks, we need these places where you know kids can just enjoy, people can just you know have fun. Abroad there's so many places you can just you know walk in the garden. So yeah, please, you know, it takes 2 minutes of your time to you know keep your area clean, so do it. Karishma, आपका वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है जिसमें तमाम कमेंट नीचे लिख के आ रहे हैं. कोई कहता है मैं पहचानता हूँ, कोई कहता नहीं पहचानता हूँ, कोई कहता हाँ वही है. क्या कुछ कहना चाहूँगा? ट्रेंडिंग में है वो वीडियो, क्या कुछ? कौन सा वीडियो? MMS Rajini. Oh, which video? I think there is a video where I am there. It's a part of the web series, and I think it's sexy, and you guys should watch it. And uski I think it's a great film. I'm looking forward to it. I love Deepika, I love Ranveer's performance from the trailer, and I'm very 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 excited for it. kuch logo ka objection bhi hai ki hamare itihas ke sath chhedchhad ki jaye. I don't have any comment because I'm an actor and I'm seeing it through a script perspective, or I feel it's a great script. People have performed really well, Deepika, Ranveer, Shahid. So I'm really looking forward for the film. Thank you. ऊपर बैठो ना. चलिए अला जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस गार्डन का उद्घाटन करने आए हैं? बड़ी कितनी खुशी होती है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? बड़ी आई थिंक इट्स नाइस कि गार्डन्स बन रहे हैं, तो आप घर पे फोन छोड़ के आप बाहर जाइए, गार्डन्स और पार्क्स एंजॉय कीजिए. आई नो गूगल से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, बट कभी कभी आप फोन बंद करके यू गो आउट टू गार्डन्स एंड पार्क्स, आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर मोर इन लाइफ. बट ऑक्सीजन और साफ सफाई कितना इंपॉर्टेंट है, महत्व है आम आदमी के जीवन में? इम्पॉर्टेंट मीन्स इट इज द मेन थिंग टू लिव. वी डोंट वॉन्ट टू इनहेल बैड ऑर बट वे यू सी इन दिल्ली लाइक द स्मॉग, लॉट ऑफ पोल्यूशन. डू यू थिंक मुंबई शुड नाउ टेक अ स्टेप regarding this? Lot of awareness should create in a school, colleges, not only Mumbai. I think every single place needs to take care of that, because we are living in this world, no? And the main thing to live now is air. If you're going to inhale toxic smoky air, it's not going to be good for anyone's lungs. So as a message, like every individual has a responsibility to have to do actually to keep their environment. I think it starts at home. So people can tell their children from when they are really young about the awareness about this. It starts with cars and vehicles also. I think we all make that blunder. I am also responsible for it because I do travel by car. But where you can try to go walking, where you can try to use a cycle, small things like that. Things with electricity also, if you're at home, small things that you can do. I'm not saying make major changes, because people probably won't be able to do that, but things like switching off the light when you're not in the room, switching off the AC when you're not using it. You see, yeah. I actually even if I'm shooting outdoor or something, I try to find a garden. If it's in Ladakh, I'll try to climb the mountain as exercise. If it's in London, I try to find a park and work out. I think it's always nicer, because a gym is always in a room. Gyms are nice, but it's a room
And when you can go outdoors, why not? जब मैं पद्मावती पार्ट टू साइन करूंगी तो मैं इन लेंथ कमेंट कर लूंगी। Your upcoming projects? I've signed a film opposite Prabhu Deva, which I'm going to make my Tamil debut with. I'm leaving now to Goa. Are you doing Prabhu Deva? Could you talk something about that? That how? I'm leaving now. I'm going to Goa and I'm very excited. Such a project working with the Prabhu Deva. He's a very. I'm very very excited because it's the first time. Normally even जो south filmों मैंने filmें मैंने की हैं have mostly been serious or like this is a nice fun role and Commando 2 में people have liked that I did comedy and I was funny and stuff like that. So I think in this movie also they'll really enjoy that. It's a nice crazy role and there's lots of dancing. Yes. While making the film you work so much hard while making the film. Day night you work. Like I'm talking about Padmavati. A lot of controversy takes place. Do you think the freedom of speech is curtailed? No, I'm not in Padmavati. Freedom of speech, but do you think? But like you film work so much hard, any filmmaker. So like I said, when I signed Padmavati 3, Bansali sir and me will comment simultaneously together. I think right now. But I'm not in the film yet, sir. So when I'm in part 2, when he casts me, both of us will comment together. I promise. Indigo ke baare mein. Indigo. You're like killing me, guys. What is this? I'll see you in the bathroom. Thank you so much. बना रही है, उनका तो पर्सनल इंटरव्यू जरूर थैंक यू पिक्चर्स लेना परीक्षा की घड़ी है आइए परीक्षा की घड़ी है हो गया बॉयस चले 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 थैंक यू डिजाइन बेसिकली इट्स लाइक द गार्डन इंक्लूड्स फोर फाउंटेन इन इट डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंटेन्स एंड इट्स मेरा लाउड बोलिए थोड़ा सा कितने एक्साइटेड है आपको कितनी खुशी हो रही है जब आपका किया हुआ काम अब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए अब उसकी बारी है कि वो जमीन पे उसका ये होगा क्या कहना चाहेंगे कितने एक्साइटेड है इस काम में बेसिकली इट्स वन ऑफ माय लाइक फर्स्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ बिकॉज तो चेहरे पे पता चल रहा है क्या क्या इसमें आने वाला है क्या कहना चाहेंगे देयर आर फोर काइंड ऑफ फाउंटेन्स इन इट लाइक I won't give a description right now because I won't want to it. But it's not like that. मतलब इसमें basically unique kind of fountains है जिसमें automated laser lights होगा and boat sculpture light होगा Japanese style of fountain होगा. खास करके Santa Cruz में ऐसा नहीं है इसलिए. नहीं, I guess Mumbai में 4 fountains in like one garden. I don't think so there is anyone. So that's why. जब आपने design लेके गए रहे थे यहाँ के लिए तो के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव के पास तो किस तरह से उनका रिएक्शन रहा कुछ बताना चाहिए